तो वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की फाइल एक बार फिर एलजी विनय कुमार सक्सेना को भेज दी है। वहीं इसकी जानकारी दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदूषण काफी बढ़ गया है, जहां इसको लेकर दिल्ली सरकार ने दोबारा एलजी साहब को फाइल भेजी है। हम जो हर साल दिल्ली के व्हीकल पोल्यूशन को रोकने के लिए हम जो हर साल रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जो चलाते थे, इस बार 29 तारीख को दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने उस पर रोक लगाते हुए फाइल दिल्ली सरकार को वापस कर दी थी, जिसमें मुख्य तौर पर ये प्रश्न उठाया गया था कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन से दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के कोई आंकड़े नहीं है। दिल्ली के अलावा देश भर में या दुनिया में कहीं भी इस तरह के शहरों में प्रयोग नहीं हुआ है, और उसके आधार पर उन्होंने इस अभियान को रोकने के लिए फाइल वापस कर दी थी। हमने निर्णय लिया था कि इसका जवाब हम दोबारा एलजी साहब के पास बना करके सबमिट करेंगे। आज दिल्ली सरकार की तरफ से दोबारा एलजी साहब से ये निवेदन करते हुए फाइल सबमिट की गई है। उनके सवालों के सारे तथ्यों का जवाब रखते हुए कि दिल्ली में एक इमरजेंसी सिचुएशंस बन रही है धीरे धीरे, और ऐसे समय में तुरंत जल्द से जल्द इसकी परमिशन दी जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर चौतरफा प्रयास करके इस प्रदूषण को जो भी कम करने के लिए प्रयास हो सकते हैं उन सारे प्रयासों को किया जाए। बहुत सारे प्रयास दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो जो हम कर सकते हैं वो सारे प्रयास किए जाएं।